हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, ये द हिंदू का एडिटोरियल है 10th July 2019 वेंसडे। देखते हैं किस बारे में है। यहाँ लिखा है गोइंग इलेक्ट्रिक। आपने सुना होगा गो स्विमिंग, गो शॉपिंग, उसी तरीके से गो इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिक हो जाना, इलेक्ट्रिक के लिए जाना। जैसे आप पेट्रोल या डीजल पर गाड़ियाँ चलाते हैं, तो आप बैटरी वाली गाड़ियाँ चलाएंगे, उस बारे में टॉपिक है। देखिए, द बजटरी मेजर्स कैन स्पीड अप इंडियाज प्लान्स टू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इस सेंटेंस को तोड़ते हैं, क्या है ये। कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो भाई इसका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या है कि द बजटरी मेजर्स, ये जो मेजर्स है ये आपका सब्जेक्ट है। उपाय, जो बजट, जब बजट पेश हुआ तो बजटरी कुछ उपाय हुए, कुछ तरीके निकाले गए, क्या था वो। तो ये जो कुछ मेजर्स है, बजटरी जो मेजर्स हैं, कैन स्पीड अप, ये स्पीड अप कर सकता है, रफ्तार बढ़ा सकता है, किसकी, इंडियाज प्लान्स। देख रहे, इंडिया के बाद एपोस्ट्रोफियस है। इंडिया के जो कुछ प्लान है उसकी रफ्तार बढ़ा सकता है। क्या करने का प्लान है, तो टू से जोड़ दिया, टू स्विच, ये आपका टू प्लस वी वन इन्फिनिटिव है, ये पर्पस को दिखाता है कि प्लान्स टू स्विच, स्विच करने का, किधर स्विच करने का, तो टू से आप कहीं जब जाते हैं तो उसके लिए भी टू लगता है। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, तो उसी तरीके से टू लोकेशन के लिए भी, कि टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि हम स्विच करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। देख रहे, दो बार जो टू लगा है इसका ये मतलब है। सब इस पूरे की हिंदी हुई कि जो जो बजटरी जो उपाय है वो स्पीड अप कर सकता है इंडिया के प्लान को। प्लान क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच होने का जो प्लान है उसको स्पीड अप कर सकता है, उसमें रफ्तार ला सकता है इस बजट के उपाय के कारण। द यूनियन बजट हैज़ अनाउंस्ड, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव हैज़ का इस्तेमाल हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यूनियन बजट ने अनाउंस किया है अ बोल्ड मूव, एक बहुत बड़ा कदम, एक साहसी कदम, एक बोल्ड मूव को अनाउंस किया है। फिर यहाँ पर टू लग गया, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। तो क्या करने का कदम है ये, टू मेक अ ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि एक से दूसरे पे जो हम ट्रांसफ़र होते हैं, तो ट्रांजिशन उसे कहते हैं कि एक से दूसरे पे परिवर्तन हो जाना। तो क्या साहसी कदम है, टू मेक अ ट्रांजिशन, कि आप ट्रांजिशन कीजिए, परिवर्तन कीजिए, मतलब चले जाइए टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। एंड ये तो हो गया, एंड ऑफर्ड, उसी से है कि हैज़, वही हैज़ लगा हुआ, एंड ऑफर्ड अ टैक्स इंसेंटिव फॉर द अर्ली एडॉप्टर्स। तो ये तो अनाउंस किया ही है कि आप ट्रांजिशन करेंगे, साथ ही साथ उसने ये भी ऑफर किया है अ टैक्स इंसेंटिव फॉर अर्ली एडॉप्टर्स, कि जो भी पहले एडॉप्ट कर लेगा, जो भी पहले इस चीज़ पर चला जाएगा, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाएगा, तो उसे क्या मिलेगा, अ टैक्स इंसेंटिव, यानी कि टैक्स पर कुछ इंसेंटिव, कुछ छूट मिलेगा। अब देखिए, इट्स स्टेटेड विजन टू लिप फ्रॉग इन टू एन ईरा ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड डोमेस्टिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, फिर कॉमा है, लेड बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल व्हीकल्स इज फॉरवर्ड लुकिंग। यहाँ पर फुल स्टॉप है। देख रहे कितना बड़ा सेंटेंस है। अब इतने बड़े सेंटेंस को कैसे तोड़े, तो कहीं ना कहीं आपको कॉमा भी हेल्प करने वाला है। यहाँ देखिए, पहले सब्जेक्ट देखिए, इट्स स्टेटेड विजन, इसका जो स्टेटेज विजन, इसकी जो दृष्टि है, स्टेटेड, जो पहले स्टेटमेंट आ चुका है, जो घोषित हो गया है, तो वो जो विजन है, वो जो दृष्टि है, वो जो प्लानिंग है, अब ये प्लानिंग, ये विजन हो गया। अब विजन के बाद यहाँ तो टू है, वो छोड़ दीजिए, विजन के बाद ये देखिए, इज फॉरवर्ड लुकिंग, वो जो विजन है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, यानी कि बिल्कुल आगे की सोच है। तो ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है इज, सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म है, इतना सा। बीच में इन्होंने कुछ मसाला डाल दिया है, उस मसाले को देखिए कैसे जोड़ा है। तो विजन, क्या करने का विजन, तो टू से जोड़ दिया है, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, कि टू लिप फ्रॉग, लिप फ्रॉग का मतलब होता है कूद जाना, मेढक की तरह जंप लगाना, मेढक कूद कहते हैं इसे। तो लिप फ्रॉग कहाँ पे कूदना, इनटू लगा दिया, इनटू एन एरा ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कि भाई जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जो दुनिया है उसमें कूद जाइए, कि सब कुछ अब इलेक्ट्रिक पे चलेगा। एंड डोमेस्टिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, और किस में कूदिए, कि डोमेस्टिक, यानी कि हमारे इंडिया में जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आप जंप लगाइए, ये कीजिए। तो ये है स्टेटेड विजन। अब फिर यहाँ कॉमा है, लिखा है लेड बाय, अब लेड बाय का मतलब है कि नेतृत्व किया गया, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये सब किसके द्वारा लीड किया गया, तो लेड बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कमर्शियल व्हीकल्स के द्वारा। तो ये जो विजन है इज फॉरवर्ड लुकिंग, ये बिल्कुल एक अच्छी आगे की सोच वाली विजन है। ऐसे सेंटेंस को तोड़ते हैं गाइस। इट इज ऑल्सो इनएविटेबल,
तो इनएविटेबल का मतलब होता है कि बिल्कुल एक अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मना नहीं कर सकते. इट इज़ ऑल्सो इनएविटेबल बिकॉज, क्योंकि ये बिल्कुल अनिवार्य है क्योंकि पुअर एयर क्वालिटी एंड नॉइस पोल्यूशन हैव शार्पली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ लाइफ. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है कि पुअर एयर क्वालिटी, अब एयर क्वालिटी भी ठीक नहीं है एंड नॉइस पोल्यूशन भी है, तो हैव शार्पली अफेक्टेड, इसने बिल्कुल अफेक्ट कर दिया है, प्रभावित कर दिया है द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ के क्वालिटी को, एंड पोज अ सीरियस पब्लिक हेल्थ चैलेंज. यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पोज दिखाया गया है. ये तो हो गया, ये जो दो है ना, पुअर एयर क्वालिटी एंड नॉइज पोल्यूशन, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, यहाँ ये वर्ब हो गया, एंड पोज अ सीरियस पब्लिक हेल्थ चैलेंज. और एकदम जो हेल्थ चैलेंज है, सीरियस है, उसको भी पोज करता है, उसको भी दिखाता है. एज द नीति आयोग हैज़ स्टेटेड, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि जैसा कि, एज मतलब जैसा कि नीति आयोग ने स्टेटेड, यानी कि अपनी बात रखी है, स्टेटमेंट दिया है, द गोल ऑफ शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि ये जो टारगेट है, जो गोल है हमारा, जो उद्देश्य है, क्या करने का, ऑफ शिफ्टिंग, कहाँ शिफ्ट करने का, टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जाने का जो गोल है, कैन नॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट डेडलाइंस. इसमें प्रोग्रेस नहीं हो सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकता, ये गोल हमारा प्रोग्रेस नहीं करेगा विदाउट डेडलाइंस, अगर कोई डेडलाइंस ना हो, यानी कि ये तय ना हो कि हाँ भाई इतने साल या इतने महीने में हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे. जब तक ये डेडलाइन नहीं होगा, कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, बस गोल बना ही रह जाएगा जी. एंड अ मार्केट ड्रिवन अप्रोच सॉट बाय सम सेक्शंस ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. अब कह रहे हैं कि जो मार्केट ड्रिवन अप्रोच है, ऐसा अप्रोच जो मार्केट को ड्राइव कराए, मार्केट को मतलब चलाए, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की क्या नीड है, उस पूरे जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, ये नाम है कि जो मार्केट ड्रिवन अप्रोच है, ये जो प्रस्ताव है, किसके द्वारा ये रखा गया, सॉट बाय, ये सीक से सॉर्ट बना है, सॉर्ट बाय सम सेक्शंस, जो कुछ वर्ग हैं, कुछ जो सेक्शंस हैं, किसके, ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के जो कुछ सेक्शन हैं, उन्होंने ये सीक किया कि भाई मार्केट ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए. तो ये जो अप्रोच है, विल लीव इंडियाज कैपेबिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई मोबिलिटी ट्रेलिंग अदर्स. तो ये क्या लीव करेगा, क्या छोड़ देगा, इंडिया की जो कैपेबिलिटी है और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ई मोबिलिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, तो ट्रेलिंग अदर्स, दूसरों को फॉलो करता हुआ छोड़ देगा, ट्रेल करता होगा, ट्रेल मतलब पीछे भागना होता है, नोटेबली चाइना, खासकर चाइना को. विथ 2030 एज द आउटर लिमिट, जैसा कि 2030 तक हमारा एक आउटर लिमिट है कि हो जाना चाहिए, द इम्पेरेटिव इज टू फिक्स, इम्पेरेटिव का मतलब है जो अनिवार्यता है कि जब करना है, द इम्पेरेटिव इज टू फिक्स अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम. तो अनिवार्यता क्या है, इज टू फिक्स, कि फिक्स करना है, एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम बनाना है, एकदम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बनाना है, बाय विच, जिससे स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, थ्री व्हील कैरिज एंड लेटर ऑल न्यू व्हीकल्स विल बी बैटरी पावर्ड. तो 2030 तक कुछ ऐसा टाइम फ्रेम बनाना है कि इतनी सारी जो चीज़ें हों बिल्कुल बैटरी पर हो जाए, जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है और ब्ला ब्ला जो लिखा हुआ है. ये एन एडिशनल इनकम टैक्स डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख इज नाउ ऑफर्ड ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कॉमा लगाया. अब देखिए इसका क्या मतलब है कि एन एडिशनल इनकम टैक्स डिडक्शन ऑफ इतना इज, देख रहे हैं ये इज से पहले इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है कि जो एक्स्ट्रा जो कुछ जो एडिशनल जो इनकम टैक्स डिडक्शन होगा, कम से कम कितने का, 1.5 लाख का होगा, इज नाउ ऑफर्ड, वो अब ऑफर्ड किया जाता है ऑन इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट पर पेड ऑन लोन्स, जो कि लोन पर पे किया जाता है, क्या करने के लिए, टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने में जो आप लोन लेते हैं, लोन पे जो इंटरेस्ट पे होता है, तो उस पर कहीं ना कहीं डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख इनकम टैक्स का. एंड द जीएसटी काउंसिल हैज़ बीन मूव्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि जो जीएसटी काउंसिल हैज़ बीन मूव्ड, उसे मूव्ड कर दिया गया है, टू कट द टैक्स ऑन, कि वो टैक्स को काटे ऑन ई व्हीकल, जो ई व्हीकल्स पे लगता है, टू 5% फ्रॉम 12%, जो 12% पहले था उससे आ जाए 5% पर. बोथ डिमांड्स वर मेड बाय द इंडस्ट्री अर्लियर, अभी आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि बोथ डिमांड्स वर मेड, ये जो वाज वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जनरली होता है. तो बोथ डिमांड, दोनों ही जो डिमांड है, वर मेड बाय द इंडस्ट्री अर्लियर, पहले इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया था. देयर इज अ सिग्निफिकेंट आउटले अंडर द सेकेंड इटरेशन ऑफ द फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको फेम कहते हैं, फुल फॉर्म इसका ये है, ये फेम है. तो लिखा है कि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट आउटले,
बहुत ही महत्वपूर्ण एक आउटले है, एक प्रारूप तैयार है, खाका है, अंडर द सेकेंड इटरेशन के अंतर्गत। इटरेशन का मतलब है कि आप द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, बार बार आप करते हो तो इटरेट करते हो ऑफ द, तो किसका इटरेशन था, ऑफ द फेम, ये जो फेम है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट आपका एक आउटले है, और ये जो फेम है प्लान फॉर 10,000 करोड़, तो ये 10,000 करोड़ का ये प्लान है। फेम नाम है इसका, FAME फेम, इसका आपका ये फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो 10,000 करोड़ रुपए का ये प्लान है, क्या करने का है, टू गिव अ फिलिप टू कमर्शियल व्हीकल्स। फिलिप का मतलब होता है कि आप एक तरीके से बूस्ट देते हैं, फिलिप का मतलब प्रोत्साहन देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये देने को है, टू गिव अ फिलिप टू कमर्शियल व्हीकल्स एंड टू सेट अप चार्जिंग स्टेशन। तो ये जो 10,000 करोड़ का जो ये है प्लान, ये है कि आप जो कमर्शियल व्हीकल्स है उन्हें भी थोड़ा सा एक बूस्ट मिलेगा कि हाँ भाई चलो पेट्रोल डीजल से हटके इलेक्ट्रिक पे चलो, एंड सेट अप चार्जिंग स्टेशन। और भाई अब चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए जहाँ जहाँ वो गाड़ियाँ चार्ज होंगी, बैटरी चार्ज होंगी, तो उसके लिए 10,000 करोड़ है। इसलिए बोला कि देर इज अ सिग्निफिकेंट आउटले, बहुत ही महत्वपूर्ण खाका तैयार किया गया है। द बजटरी मेजर्स, ये जो बजट वाला जो उपाय है, मेजर जो है, विल हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द प्राइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ब्रिंग इन मोर मॉडल्स। पहले यहाँ तक देखते कॉमा है। तो ये जो उपाय है विल हैव ये फ्यूचर के लिए दिखा रहा है कि इसे बोलते पजेशन, विल हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट, इसका बहुत ही इमीडिएट तुरंत ही इम्पैक्ट पड़ेगा किस पर, ऑन द प्राइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो भी इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ हैं व्हीकल्स है उसके प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड ब्रिंग इन मोर मॉडल्स, और अधिक से अधिक मॉडल्स आएंगे, ब्रिंग इन का मतलब लाएगा अधिक से अधिक मॉडल्स। बट इट विल टेक अ सस्टेन्ड एफर्ट, लेकिन इसको एक सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए, एकदम लगातार प्रयास चाहिए बाय द सेंटर के द्वारा, इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये जो प्रयास है ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप के साथ होना चाहिए, मतलब दोनों का पार्टनरशिप होना चाहिए, और वो एफर्ट लगाएंगे तब ये सब होगा जो हम प्लानिंग कर रहे हैं। टू इनेबल अ फास्ट रोल आउट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, देख रहे हैं, तो जब दोनों पार्टनर बनेंगे तो उससे क्या होगा, देख रहे हैं ये सब क्यों जरूरी है, टू इनेबल, ये इनेबल करने के लिए, सक्रिय करने के लिए फास्ट रोल आउट। फास्ट रोल आउट का मतलब है कि फटाफट पब्लिक तक रोल आउट हो जाए, पहुंच जाए, ऑफ रोल आउट ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं कि भाई कैसे चार्ज होगा, वो फटाफट ईजी हो जाए, रोल आउट हो जाए, पब्लिक तक पहुँचे। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इशूड गाइडलाइंस, पहले यहाँ तक देख लेते हैं, पास्ट एंड डेफिनेट, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने इशू किया, क्या इशू किया, गाइडलाइंस इशू किया, एंड स्टैंडर्ड्स फॉर दिस, और इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड अपना बनाया इसके लिए इन दिसंबर लास्ट ईयर में, सेटिंग टेक्निकल पैरामीटर्स फॉर पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस। ये देख रहे हैं ING है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये करते हुए, तो सेटिंग टेक्निकल पैरामीटर्स, कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स को सेट करते हुए उन्होंने ये जो है इशू किया था गाइडलाइंस फॉर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, जो पब्लिक में चार्जिंग स्टेशन होगा, दैट कैन इनेबल नॉर्मल एंड फास्ट चार्जिंग, जो सक्रिय बनाएगा कि नॉर्मल चार्जिंग भी कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं आप। इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल नहीं रहा है जिसको मैं अलग से पढ़ाऊं, तो बस मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, और आप इसकी मतलब समझते जाइए कि सेंटेंसेस कैसे टूटते हैं। विद प्राइस कंपटीशन, अगर प्राइस के कंपटीशन की बात करें उसके साथ, अ स्पीडी स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स कैन बी एक्सपेक्टेड। देखिए मॉडल का इस्तेमाल हो गया, कैन बी यानी कि पैसिव है कैन का, तो अगर प्राइस के कॉम्पिटिशन को देखा जाए, विद प्राइस कॉम्पिटिशन और स्पीडी स्प्रेड, स्पीडी मतलब एकदम स्पीड वाला, स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की फैलाव, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का जो फैलाव है कैन बी एक्सपेक्टेड, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टू व्हीलर्स ज़्यादा मार्केट में फैलेगा, उसकी बिक्री ज़्यादा होगी, ये बात है। गिवन दैट ओवर 80% ऑफ कन्वेंशनल व्हीकल्स सोल्ड इन इंडिया कम अंडर दैट कैटेगरी, गिवन मैं कई बार सिखा चुका हूँ, गिवन का मतलब होता है उसको ध्यान में रखते हुए, तो गिवन दैट ओवर 80%, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 80% से ज़्यादा जो कन्वेंशनल व्हीकल्स है जो चलते आ रहे हैं सोल्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में बेचे जाते हैं, सेल किए जाते हैं, कम अंडर दैट कैटेगरी, वो इस टू व्हीलर के कैटेगरी में ज़्यादा आते हैं। तो ये है, अफोर्डेबल चार्जिंग विल मेक दीज व्हीकल्स एंड कमर्शियल थ्री व्हीलर्स अट्रैक्टिव बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट आर अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इक्विवेलेंट्स। अब देखिए इसका क्या मतलब है,
अफोर्डेबल चार्जिंग, जो बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जिंग हो, जिसको सब अफोर्ड कर सके, विल मेक दीज व्हीकल्स एंड कमर्शियल थ्री व्हीलर्स अट्रैक्टिव. ये बिल्कुल अट्रैक्टिव बना देगा इन सारे गाड़ियों को. बिकॉज क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनको जो चलाने का जो कॉस्ट है, आर अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इक्विवेलेंट्स. वो बस एक छोटा सा हिस्सा है, जो पेट्रोल और डीजल को चलाने का जो हिस्सा होता है उससे कम एक छोटा सा फ्रैक्शन है इसको ऑपरेट करना. तो येट लॉन्गर रेंज ट्रैवल विल रिक्वायर मोर देन अ चार्ज एट होम फैसिलिटी. अब कह रहा है कि फिर भी जो लॉन्गर रेंज ट्रैवल है, कि लंबा जो ट्रैवल करते, विल रिक्वायर, उसको आवश्यकता होगी मोर देन अ चार्ज एट होम फैसिलिटी. मतलब मोर देन अ चार्ज एट होम फैसिलिटी, घर पे तो जो चार्ज की फैसिलिटी उससे भी ज़्यादा आवश्यकता होगी. एंड दिस वुड हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ फास्ट चार्जिंग एट पार्किंग लॉट्स. एंड दिस वुड हैव टू बी, इसको होना होगा, देख रहे हैं, दिस वुड हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ फास्ट चार्जिंग. इसको फास्ट चार्जिंग के रूप में होना होगा. कहाँ पर? एट पार्किंग लॉट्स, जहाँ भी पार्किंग लॉट्स होते हैं. रिट्रोफिटेड फ्यूल आउटलेट्स. रिट्रोफिट का मतलब होता है कि आप पुराने पुर्जे हटाकर नए लगाते हैं, तो जितने भी फ्यूल आउटलेट है वहाँ पर इंस्टॉल होगा. तो रिट्रोफिटेड फ्यूल आउटलेट्स एंड न्यू पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, नए नए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, होटल्स, ऑफिसेज एंड सो ऑन. तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि विल हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ फास्ट चार्जिंग एट पार्किंग लॉट. तो फास्ट चार्जिंग यहाँ होना चाहिए पार्किंग लॉट्स में. ये करना है, सब दिया हुआ है. स्वैपिंग द बैटरी एट कन्वीनियंट लोकेशंस विद वन दैट इज प्री चार्ज्ड. अब देखिए, स्वैप करना, बैटरी को स्वैप कर देना, बैटरी बदल दो. स्वैपिंग द बैटरी एट कन्वीनियंट लोकेशन, ऐसे लोकेशन पर जो कन्वीनियंट हो, विद वन दैट इज प्री चार्ज. किससे स्वैप करना है? जो पहले से चार्ज है उससे स्वैप कीजिए. स्पेशली फॉर कमर्शियल व्हीकल, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स है, तो उसकी बैटरी आप निकालिए, दूसरी बैटरी लगाइए. चार्ज करने का सिस्टम ही खत्म है कि वो लाइन में रहे. दैट रन लॉन्गर एंड नीड अ क्विक टर्न अराउंड. जो काफ़ी लंबा वो लोग ट्रैवल करते हैं, चलते हैं, और क्विक टर्न अराउंड, तुरंत उन्हें परिवर्तन चाहिए कि भाई तुरंत कर दो. इज़ वर्थ कंसिडरिंग. ये बिल्कुल एक अच्छी सोच है, वर्थ है. अ लॉन्गर टर्म पॉलिसी प्रायोरिटी हैज़ टू बी द सेटिंग अप ऑफ लिथियम बैटरी. जो लॉन्गर टर्म पॉलिसी प्रायोरिटी, कि भाई लंबे टर्म तक जो चले, तो ये जो पॉलिसी जो है, तो ये जो प्राथमिकता है पॉलिसी की, हैज़ टू बी द सेटिंग अप ऑफ लिथियम बैटरी. इसको होना है, इसको होना, मतलब यू नो हैज़ टू बी, इसको होना ही होना है, ये तय है कि द सेटिंग अप ऑफ लिथियम बैटरी, कि आप लिथियम बैटरी को सेटअप करें, जब लिथियम बैटरी लगाएं, प्रोडक्शन एंड सोलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन होना चाहिए, सोलर चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए ऑफ अ स्केल, ऐसे स्केल तक दैट मैचेस द एम्बिशन, जिसकी वजह से एम्बिशन मैच करे, जो आप चाहते हैं वो हो जाए. तो ऐसे ऐसे करना होगा, लिथियम बैटरी लगाना होगा, सोलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा. द सेंटर हैज़ एक्सेप्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट है, सेंटर ने स्वीकार कर लिया है सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री टू पॉपुलराइज EVs. जो भी ऑटो इंडस्ट्री ने कुछ डिमांड रखी होगी उसको एक्सेप्ट कर लिया सेंटर ने, ताकि ये जो EVs है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ये पॉपुलर हो सके. तो यही है, इसमें आप कुछ पढ़ाने लायक नहीं है. हैज़ टू बी है तो मैं सिखा देता हूँ, हैज़ टू बी है, गिवन है, पहले ही मैं सिखा चुका हूँ, देख लेते हैं. देखिए, कई बार न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा हैज़ टू बी, सिंगुलर के लिए है, आई वी यू दे प्लूरल के लिए हो जाएगा हैव टू बी. अब ये कई बार वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ भी होता है और ऐसे भी होता है. जैसे मैं बोलूँ इट has to be done before 2 PM. अब it has to be done, यानी कि यह किया जाना है, ये जो काम है इसको किया जाना है. अब ये काम हुआ नहीं है, तो has to be done, बिल्कुल इसको किया जाना है, 2 बजे से पहले तक किया जाना है. अगर मैं इसको ऐसे एक्टिव में बोल दूँ कि उसे इसे 2 बजे तक करना है, 2 बजे से पहले, तो she has to do it before 2 PM. तो ये इसका एक्टिव होता है कि शी हैज़ टू डू इट, और इसी का पैसिव हो जाएगा कि भाई इट हैज़ टू बी डन. अब प्लूरल अगर आई वी यू दे होगा तो हैव के अंदर होता है. ऐसे प्लूरल में उठाते कि मेरे सारे कपड़े धोए जाने को है, माई क्लोथ्स. अब ज़्यादा कपड़े हैं तो हैव लगा दो, हैव टू बी वॉश्ड. ये आपका थर्ड फॉर्म वाला है. अगर बिना थर्ड फॉर्म वाला देखेंगे
तो अगर है कि शी हैज़ टू बी, शी हैज़ टू बी काम. अब काम तो थर्ड फॉर्म नहीं है और ये एक्टिव है, ये नॉर्मल है. शी हैज़ टू बी काम, यहाँ बी आपका एक्शन का काम कर रहा है. बी मतलब होना, कि उसे काम होना है. शी हैज़ टू बी काम, मुझे वहाँ होना है. आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू बी देयर. तो थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वाला और बिना थर्ड फॉर्म कैसे हो सकता है. आई हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी हेयर, शी हैज़ टू बी इन दैट रूम, शी हैज़ टू बी अ गुड डायरेक्टर, कुछ भी हो सकता है, आप सेंटेंस बना सकते हैं. तो ये आपका हैज़ टू बी, हैव टू बी. और गिवन तो आपको पता ही, मैं बार बार सिखाता हूँ, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, देखते हुए. जैसे आपने बोला कि उसके कंडीशन को देखते हुए, तो गिवन हिज कंडीशन, उसके कंडीशन को देखते हुए उसकी मदद की जानी चाहिए. ही शुड बी हेल्प्ड. बस हो गया. तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.